उद्यान विभाग और वन माफियाओं की मिलीभगत से आए दिन हरे फलदार वृक्षों पर जमकर आगियां चलाई जा रही हैं। दिन के उजाले से लेकर रात के अंधेरे तक माफिया हरे भरे फलदार पेड़ों को काटकर पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसका अंदाजा लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है। ऐसे ही एक मामला सामने आया है भगवानपुर के मंडावर गाँव में। पेश है एक खास रिपोर्ट। तस्वीरों में जो धड़ल्ले से दिन दिहाड़े ये वन माफिया हरे और फलदार पेड़ों पर आरे और कुल्हाड़े चलाते नजर आ रहे हैं, ये नजारा भगवानपुर के मंडावर गांव के एक आम के बाग का है, जिस पर एक महीने में ही आम की फसल आने वाली है। तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि आम का बोर्ड टूट कर आया हुआ है, लेकिन इन पेड़ों की अनुमति उद्यान विभाग द्वारा जारी की गयी है। जब हमारे कानून में हरे और फलदार पेड़ को काटे जाने के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती, तो आखिर फिर उद्यान विभाग ने किस आधार पर और क्यों अनुमति जारी की? ये बात एक बार तो समझ से परे है, तो वहीं दूसरी बार सोचा जाए तो बात समझ में एकदम सही बैठ जाती है कि इन पेड़ों को कागजों में सूखे दिखाया गया होगा, क्योंकि ऐसा करने के लिए उद्यान विभाग के अधिकारियों को बकायदा मोटी रकम देकर खुश किया गया होगा। वहीं इस पूरे प्रकरण के बारे में जब प्रशासनिक अधिकारियों से बात की गई, तो तहसीलदार ने बड़ी ही होशियारी के साथ अलग विभाग का होना बताकर खुद को मीडिया के सवालों से निजात दिलाने की कोशिश की। जो है जहाँ तक मुझे जानकारी है कि हरे पेड़ों की जो है परमिशन नहीं होती है, अब उनके द्वारा जो है जिला उद्यान अधिकारी के द्वारा किस आधार पर अनुमति दी गई है, तो ये उसी विभाग उन्हीं के द्वारा जो है स्पष्ट जो है किया जा सकता है। उद्यान विभाग के अधिकारियों द्वारा जारी की गई इन हरे भरे और फलदार पेड़ों की अनुमति अधिकारियों को सवालों के घेरे में जरूर खड़ी कर रही है कि आखिर क्यों अनुमति दी गई। हरिद्वार से रजत अग्रवाल की रिपोर्ट।